हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट परफेक्ट नॉलेज। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ETL। तो क्या होता है ETL? एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो अलग अलग डेटा सोर्सेज को ला के जब डेटा वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं ETL। तो क्या होती है उसकी प्रोसेस? सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्शन आता है, डेटा का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। हमारे पास अलग अलग तरह के सोर्सेस होते हैं, सपोज़ RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL सर्वर, फाइल्स। वहाँ से अलग अलग जगह से डेटा निकालना है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इस जगह पर डेटा का ऑपरेशन करना है, सचमुच का ऑपरेशन नहीं करना है, मैं जस्ट डेटा के एक सिंगल फॉर्मेट में लाने की बात कर रही हूँ। क्योंकि हमारे पास अलग अलग सोर्सेज से डेटा आए हुए हैं तो सिंगल फॉर्मेट में उसको तैयार करना है। बाद में क्या करना है कि डेटा को लोड करना है, फिर डेटा वेयरहाउस में डेटा स्टोर होता है। तो यह थी ETL की स्मॉल और इजी प्रोसेस। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला स्टेप है डेटा एक्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि डेटा या तो RDBMS होते हैं या फिर फाइल्स होती है, यानी कि कोई डेटा XML या तो PDF या डॉक फाइल भी होती है। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हम जिस डेटा की हमें ज़रूरत है उसको दी जाती है, उस डेटा को रिट्राइव करके आगे की प्रोसेस में ले जाया जाता है। तो यह था डेटा एक्सट्रैक्शन। अब देखते हैं डेटा ट्रांसफॉर्म। यह क्या होता है कि अब हमने डेटा निकाल तो लिया अलग अलग जगह से, तो अब कुछ डेटा सी लैंग्वेज में बना हुआ होगा, कुछ डेटा ASP.NET में बना हुआ होगा, तो कुछ डेटा PHP फॉर्मेट में बना हुआ होगा, और उसको एक जगह पर स्टोर करेंगे तो हो जाएगी गड़बड़। तो इसमें क्या करना होता है कि अब हमें उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में रेडी करना है। तो जो हम डेटा एक्सट्रैक्ट किए हुए थे वो डेटा फिल्टर होंगे, क्लीनिंग होके हमारे पास पहुँचेंगे। अब डेटा को डेटा वेयरहाउस में स्टोर करना है तो एक जनरल फॉर्मेट में रेडी करेंगे, डेटा को समराइज्ड करेंगे आफ्टर हमारे डेटा लोड होंगे। डेटा लोडिंग क्या है? तो उसमें हम जो डेटा लाए हैं एक्सट्रैक्ट और ट्रांसफॉर्म करके उस डेटा को प्रॉपर इंडेक्स देनी पड़ेगी। उसकी हेल्प से और भी इजी वे में डेटा को फ्यूचर में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह थी ETL, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो यह सभी टॉपिक्स मैं एक PDF में आपको प्रोवाइड भी करूँगी, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काम आए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करना। Thank you.